हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पता आज सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का फाइनल था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आज मुकाबला था। तो ये दो टीमें इस बार फाइनल के अंदर गई थी और इंडिया को अपना टाइटल को डिफेंड करना था। पिछली बार इंडिया की टीम सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप की चैंपियन टीम थी। पिछली बार हमने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीती थी बांग्लादेश के अगेंस्ट फाइनल के अंदर। तो पिछली बार सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी, उसको अब चेंज कर दिया गया साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन ने, अब उसे सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप कर दिया गया है। तो इस बार सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप को इंडिया को डिफेंड करना था अपने टाइटल को। तो इस बार फाइनल के अंदर मुकाबला था हमारी पाकिस्तान की टीम से, हमारी प्रतिनिधि टीम। तो इस बार हमारा मुकाबला था फाइनल के अंदर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान की टीम से। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम जिसने 4 साल के बैन के बाद फुटबॉल के अंदर कमबैक किया पाकिस्तान की टीम ने, और इस बार पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम चैंपियनशिप के अंदर फाइनल में गई है। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तीन से लेकर चार साल तक उनकी टीम के ऊपर बैन लगा हुआ था और उनकी टीम ने जो कमबैक किया वो काबिले तारीफ है। तो इस साल हमारा पाकिस्तान की टीम से सैफ चैंपियनशिप में 2 बार मुकाबला हो चुका है। एक बार सीनियर सैफ चैंपियनशिप के अंदर जो हमारी टीम पाकिस्तान की टीम से बड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान की टीम को हमने 4-0 से हराया था हमारी सीनियर टीम में, और हमारा अब सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान की टीम से मुकाबला फाइनल के अंदर, जिसके अंदर हमारी टीम ने 3-0 से पाकिस्तान की टीम को हराया। और हमारी टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है पाकिस्तान की टीम को हराने के लिए। तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ा है हमारी टीम को इस पाकिस्तान की टीम को हराने के लिए। और पाकिस्तान की टीम इस बार सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के ना फाइनल करने गई, तो ये उनकी टीम को अप्रिशिएट करने वाली बात है। सभी को हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए उस पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की टीम सैफ के फाइनल के अंदर गई है। काफी सारे कॉम्पिटिटर थे इस सैफ चैंपियनशिप के अंदर, बांग्लादेश थी, नेपाल की टीम थी जो काफी अच्छी टीम है पाकिस्तान की टीम से। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की टीम 3 साल तक बैन लगने के बाद उनकी टीम ने कमबैक किया है। 3 साल से उनकी टीम ने इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेला है, उसके बावजूद उनकी टीम इस सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के अंदर, उनकी यूथ टीम फाइनल के अंदर आती है और इंडिया को फाइट भी देती है। आपने देखा हुआ आज का मैच सैफ चैंपियनशिप के अंदर, हमारी टीम को सेकंड हाफ तक जाना पड़ा एक गोल करने के लिए। हमारा जो फर्स्ट गोल आया था वो 64 मिनट के अंदर आया था, जो किया था मैगलन थेन ने। तो हमारा फर्स्ट गोल 64 मिनट के अंदर आया था, तो काफी मेहनत करनी पड़ी हमें पहले गोल करने के लिए। सेकंड हाफ के अंदर ये हमारा गोल आया, तो पाकिस्तान की टीम ने काफी अच्छी फाइट दी हमें फर्स्ट हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी टीम को गोल करने दिया और फर्स्ट हाफ हमारा 0-0 पे रहा। तो सेकंड हाफ के अंदर जो हमारा दूसरा गोल आया 85 मिनट के अंदर, तो दूसरा गोल भी मैगलन थेन ने ये गोल किया, जो कि फाइनल थर्ड के अंदर हमें फ्री किक मिली और उस फ्री किक को मैगलन थेन ने लिया और एक शानदार गोल मारा और हमारी टीम 2-0 से आगे होगी। उसके बाद हमारी टीम की जीत कन्फर्म होगी। उसके बाद हमारा जो तीसरा गोल आया वो 90 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आया। तो आप कह सकते हो कि काफी मेहनत करने पड़ी हमारे गोल करने के लिए, सेकंड हाफ के अंदर हमारी टीम को गोल करना पड़ा, तो काफी हार्ड वर्क करना पड़ा हमारी टीम को इस मैच के अंदर। तो फाइनल के अंदर तो हमारा कभी भी मुकाबला होता पाकिस्तान की टीम से तो काफी तगड़ा मुकाबला होता, इस बार सैफ चैंपियनशिप के अंदर भी फाइनल के अंदर काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब भी मुकाबला होता, चाहे वो क्रिकेट ले लो या फुटबॉल ले लो या हॉकी ले लो, कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अदर स्पोर्ट में भी, फुटबॉल में या क्रिकेट में भी देखो, सभी स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। सैफ चैंपियनशिप के अंदर भी, अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप के अंदर भी, इसके अंदर भी काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हमारी टीम को जीत हासिल करने के लिए, एक गोल करने के लिए, और हमारी टीम ने अपने टाइटल को डिफेंड किया, जो हमने 2022 के अंदर सैफ चैंपियनशिप को जीता था बांग्लादेश के अगेंस्ट फाइनल के अंदर। जो पहले सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप थी, अब वो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप हो गई। तो इस बार हमारी टीम ने उस टाइटल को डिफेंड किया और इस सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप को हमारी टीम ने जीता। तो हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई और पाकिस्तान की टीम को भी, और पाकिस्तान की टीम को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम फाइनल के अंदर आई है, इंडिया से मुकाबला हुआ है फाइनल के अंदर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के अंदर। उनकी यूथ टीम काफ़ी पोटेंशियल है इनकी टीम के अंदर। 3 साल बाद इनकी टीम फुटबॉल के अंदर इनका कमबैक हुआ है। 3 साल से पाकिस्तान की टीम में बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं खेला है, ना इनके
देश के अंदर लोकल फुटबॉल हुआ है ना इंटरनेशनल फुटबॉल खेला है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इनकी यूथ टीम ने, तो इनकी टीम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इनके अंडर 19 की जो टीम है, कुछ लड़के इनकी नेशनल टीम में, कुछ लड़के इसी अंडर 19 टीम के कुछ लड़के आपको नेशनल टीम के अंदर दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है पोटेंशियल है इन प्लेयरों के अंदर जो इनके अंडर 19 टीम है, इनके इनके प्लेयरों में पोटेंशियल है, काफी अच्छा परफॉर्म किया है इनकी यूथ टीम ने, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान की टीम को कि पाकिस्तान की टीम फाइनल के अंदर गई और फ्यूचर इनका अच्छा हो इनके अंडर 19 टीम का, जो जो लड़के हैं इनके अंडर 19 की टीम के अंदर, तो इनके लड़के आगे जाएं नेशनल टीम की, नेशनल टीम से खेले, पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेले, सीनियर टीम से खेले। तो सभी टीम को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और इंडियन टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन ये सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।